हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टडी करेंगे जूलॉजी थर्ड पेपर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि नीके है, आंसर है बी, यानी समुदाय में जो जीव की भूमिका होती है उसको हम नीके कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पायोनियर कम्युनिटी है, आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुक्रमण के कुछ कारण हैं, आंसर है बी, यानी जलवायु, जैविक एंड स्थलीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीवेज में BOD एंड COD कितनी PPM होती है, आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाहनों के धुओं से निकलने वाला प्रदूषक है, तो वाहनों के धुओं से जो प्रदूषक निकलता है वो है आपका हाइड्रोकार्बन, तो ऑप्शन होगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लू होता है, आंसर है जो फ्लू होता है वो आपका वायरस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लैक डेथ का दूसरा नाम है, आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिल्फिस रोग होता है, आंसर है बी, यानी सिल्फिस जो रोग होता है वो आपका एक बैक्टीरियल डिसीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलिसा टेस्ट होता है, ऑप्शन है एड्स, प्लेग, डेंगू या फ्लू, तो आंसर है फर्स्ट, यानी एड्स के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि TMB में होता है, आंसर है बी, यानी RNA प्लस प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव घड़ियों की मूल अभिव्यक्ति इनमें से नहीं है, आंसर है बी, यानी सर के मियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एगोनिस्टिक बिहेवियर में शामिल है, तो एगोनिस्टिक बिहेवियर में आक्रमणता, भय और परिहार ये सभी शामिल होते हैं, तो ऑप्शन होगा आपका डी, यानी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गायन अधिगम पक्षियों में उदाहरण है, तो आंसर है सी, यानी इम्परेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रूट व्यवहार नहीं है, तो आंसर है आपका सी, यानी संचार जो है एक ये रूट व्यवहार नहीं है, जबकि आपका काइनेसिस, टैक्सिस और इंस्टिंक्ट जो है वो आपके एक रूट व्यवहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाह्य बल जो जीवन को प्रभावित करते हैं, आंसर है डी, यानी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन है कि पेवलोव ने नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त किया था, आंसर है ए, यानी 1904 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तत्व की सूक्ष्मतम इकाई होती है, आंसर है ए, यानी परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन विषाक्त से होने वाले रोग है, आंसर है ए, यानी बॉटुलिज्म और कोलिस्टेडियम जो होता है वो आपका एक भोजन विषाक्त डिसीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिव आयोडीन की अर्ध आयु होती है, आंसर है बी, यानी 8 दिन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्द इकोलॉजी प्रतिपादित किया था, आंसर है डी, यानी हैकल ने इकोलॉजी वर्ड को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश प्रेमी पौधे कहलाते हैं, आंसर है ए, यानी हेलियोफाइट कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल क्षेत्र में 200 मीटर के नीचे का भाग क्या कहलाता है, ऑप्शन है यूफोटिक जोन, डिस्फोटिक जोन, एफोटिक जोन एंड पीलेजिक जोन, तो आंसर है बी, यानी डिस्फोटिक जोन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृक्ष रहित बायोम होता है, घास के मैदान का, टुंड्रा क्षेत्र का, रेतीले क्षेत्र का या उपयुक्त सभी का, आंसर है डी, यानी उपयुक्त सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सवाना किसकी विशेषता है, आंसर है डी, यानी सवाना जो है वो ऑस्ट्रेलिया की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिनीमाटा रोग से कौन सा तंत्र प्रभावित होता है, आंसर है सी, यानी तंत्रिका तंत्र, यानी जो नर्वस सिस्टम होता है वो मिनीमाटा रोग से प्रभावित होता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी मछली मलेरिया की रोकथाम के लिए प्रयुक्त होती है, तो जो आपकी गंबूसिया फिश होती है उसे मलेरिया के रोग की रोकथाम के लिए यूज़ किया जाता है, तो आंसर होगा ए, यानी गंबूसिया। नेक्स्ट है कि IPM प्रयुक्त होता है, आंसर है ए, यानी जैविक नियंत्रण में IPM प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2,4-D एक प्रभावी है, आंसर है बी, यानी ये एक शाकनाशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशी है, ऑप्शन है DDT, एल्ड्रिन, BSC या बैगोन, आंसर है ए, यानी DDT, यानी DDT जो है वो संसार का सबसे प्रसिद्ध कीटनाशक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अविषालु पदार्थों के अपवारण के विभिन्न मार्ग हैं, आंसर है डी, यानी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BOD का प्रयोग किस प्रदूषण को नापता है, यानी BOD जो होता है वो किस प्रदूषण को नापता है, आंसर है सी, यानी बाहित मल को।
क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा के दुष्प्रभाव है, आंसर है डी यानी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अविषालु पदार्थ फेफड़ों से इस अवस्था में अवशोषित नहीं होते हैं, आंसर है सी यानी तरल अवस्था में अवशोषित नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलिकोसिस किसके कारण होता है, आंसर है सी यानी एरोसोल के अंतःश्वसन के कारण सिलिकोसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैक्टीरियोफेज बना होता है, ऑप्शन है प्रोटीन कार्बन एंड नाइट्रोजन डीएनए एंड न्यूक्लियो प्रोटीन, आंसर है इसका डी यानी न्यूक्लियो प्रोटीन्स का बैक्टीरियोफेज बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायरस जो बैक्टीरिया पर हमला करते हैं तो आंसर है आपका ए यानी बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोन किसका 10 लाखवा भाग है, आंसर है ए यानी मीटर का 10 लाखवा भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संक्षेप में टीएमबी किसके लिए प्रयोग होता है, आंसर है बी यानी वायरस के लिए प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायरस होते हैं यूनिसेलुलर एसेलुलर यूकैरियोट्स या इनर्ट पार्टिकल्स, आंसर है डी यानी जो वायरस होते हैं वो आपके इनर्ट पार्टिकल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 50% कीटों को नष्ट करने के लिए कीटनाशकों की सांद्रता या खुराक को कहा जाता है, आंसर है बी यानी LD50। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके इकोलॉजिकल पिरामिड्स कभी उल्टे नहीं होते हैं, आंसर है ए यानी ऊर्जा के जो पिरामिड होते हैं वो हमेशा सीधे होते हैं, वो कभी भी उल्टे नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इडेफिक कारक संबंधित है, आंसर है डी यानी भूमि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा के क्षरण का कारण है, आंसर है सी यानी फॉसाइल फ्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे इक्विलाइन कहते हैं, आंसर है ए यानी कॉकरोच को इक्विलाइन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीटों के जैविक नियंत्रण पर बहुत कार्य किया गया है, ऑप्शन है USA जापान रूसिया या UK, आंसर है ए यानी USA में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपघटक होते हैं यानी जो डिकम्पोजर होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, हेटरोट्रॉप्स होते हैं, ऑटो हेटरोट्रॉप्स होते हैं या ऑर्गेनोट्रॉप्स होते हैं, तो आंसर है बी यानी ये जो होते हैं आपके डिकम्पोजर वो आपके हेटरोट्रॉप्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जटिल व्यवहार वाला एक आदिम जंतु है, आंसर है सी यानी जो मधुमक्खी होती है उसका व्यवहार बहुत ही जटिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंबी दूरी का मौसमी प्रवासन सामान्यतः होता है, आंसर है पक्षियों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विवर्तम का सिद्धांत सर्वप्रथम दिया गया था, आंसर है बी यानी डार्विन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निशान पर अधिकतम कार्य किया गया था, आंसर है बी यानी जमीनी घोंसलों के पक्षियों पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन्मजात बिहेवियर यानी इनेट बिहेवियर को हम और किस नाम से जानते हैं, आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CFSC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसके लिए उत्तरदायी होती है, आंसर है सी यानी ओजोन लेयर के डिप्लेशन के लिए ये CFSC जो होती है वो रेस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन मफलर का प्रयोग किसके प्रदूषण के लिए किया जाता है, आंसर है यानी नॉइस पॉल्यूशन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा से मछली किसकी मुक्ति द्वारा मृत होती हैं, आंसर है सी यानी एल्यूमिनियम के द्वारा मृत होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रदूषण नियंत्रण परिषद है, ऑप्शन है IUCN नीरी या IUDN या UNEP, तो आंसर है आपका बी यानी नीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि प्रदूषण यानी नॉइस पॉल्यूशन के कारण होता है, नॉइस पॉल्यूशन के कारण क्या होता है, आंसर है डी यानी उपयुक्त सभी यानी पुतलियों का फैलना, हृदय की गति का बढ़ना, रक्त वाहिनियों का संकुचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकतर ग्रीन हाउस गैसें छोड़ी जाती हैं, ऑप्शन है USA ब्रिटेन इंडिया या फ्रांस, आंसर है ए यानी USA में छोड़ी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदूषित जल में निम्न में से क्या एब्सेंट होता है, आंसर है डी यानी स्टोन फ्लाई का लार्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन के इकोसिस्टम में शेर किस एनर्जी लेवल पर होता है यानी किस ट्रॉफिक्स लेवल्स पर होता है, यानी जो आपका इकोसिस्टम होता है वन का उसमें जो लायन होता है वो किस ट्रॉफिक्स लेवल पर होता है, T4 T3 T2 या T1, तो आंसर है आपका ए यानी T4 लेवल पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्राकृतिक इकोसिस्टम है, आंसर है
डी यानी स्वचालित होता है। क्वेश्चन है कि फाइटोप्लांक्ट है, आंसर है बी यानी झील के प्रोड्यूसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक फूड चेन प्रारंभ होती है, आंसर है सी यानी प्रकाश संश्लेषण से प्रारंभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूड चेन में 10% एनर्जी संचारण का नियम किसने दिया था, आंसर है लिंडमैन ने दिया था। क्वेश्चन है कि TMB का अनुवांशिक पदार्थ होता है, आंसर है ए यानी RNA। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रियोन्स के और किस नाम से जाना जाता है, आंसर है ए यानी सैटेलाइट वायरस के नाम से प्रियोन्स को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य जो कोल्ड सर्दी होती है वो किसके द्वारा होती है, ऑप्शन है राइनो वायरस, रोवेला वायरस, रोबियो वायरस या पॉलीओमा वायरस, आंसर है ए यानी राइनो वायरस के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटा वायरस होता है, आंसर है ए यानी चौपाए का मुख विक खुर वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायरस का कैप्सिड किसका बना होता है, ऑप्शन है लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड या कार्बोहाइड्रेट, आंसर है बी यानी प्रोटीन्स का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंजाइम एब्सेंट होते हैं फंजाई में, एल्गी में, वायरस में या साइनो बैक्टीरिया में, आंसर है आपका सी यानी वायरस में एंजाइम जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुष्ठ रोग फैलता है यानी जो लेप्रोसी होता है वो डिसीज़ जो होती है लेप्रोसी वो किसके द्वारा फैलती है, आंसर है सी यानी बूंद से फैलती है, यानी ये जो डिसीज़ होती है वो आपकी ड्रॉपलेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेबीज का संग्राहक है, आंसर है सी यानी कुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इकोसिस्टम का संचालित बल है, आंसर है ए यानी सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार का जो विशालतम इकोसिस्टम है वो किसका है, घास के मैदान, जंगल, बड़ी झीलें या समुद्र, आंसर है डी यानी समुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीडोलॉजी में अध्ययन करते हैं, ऑप्शन है चट्टानों का, भूमि का, फसलों के रोगों का या जंतु के गमन का, आंसर है बी यानी भूमि का हम जो स्टडी करते हैं, सॉइल की जो हम स्टडी करते हैं वो हम पीडोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह स्थान जहाँ पौधे या जंतु निवास करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आंसर है ए यानी उसे हम हैबिटेट कहते हैं, जहाँ पर जंतु और पौधे निवास करते हैं उसको हम हैबिटेट कहते हैं, और नीके हम किसे कहते हैं, जो कम्युनिटी में जो जीव की भूमिका होती है उसको हम नीके कहते हैं। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संचार आम तौर पर किसके बराबर माना जाता है, आंसर है पी यानी सामाजिक बिहेवियर। कोर्सिव बिहेवियर जो होता है वो किसका रूप है, आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकतर बीज खाने वाले पक्षियों में प्रवास होता है क्योंकि, आंसर है सी यानी क्योंकि वे पूरे वर्ष एक ही क्षेत्र में भोजन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मानव विकास में अंतर्निहित है, आंसर है यानी मौखिक संचार। नहीं कि DDT एक है, आंसर है सी यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉस किसके संकेतक होते हैं, आंसर है ए यानी एयर पॉल्यूशन के संकेतक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटोकेमिकल स्मॉग में हमेशा होता है, आंसर है ए यानी ओजोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेयजल की जो BOD होती है वो क्या होती है, आंसर है पी यानी जो आपका दूषित जल से कम होती है, जो पेयजल की जो BOD होती है यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है पेयजल की, वो आपकी जो दूषित जल होता है यानी प्रदूषित जल जो होता है उससे वे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन दिवस कब होता है, आंसर है सी यानी 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटाई विषाक्त किसके कारण होती है, आंसर है डी यानी कैडमियम के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ह्यूमस एक उदाहरण है, आंसर है बी यानी भूमि संरचना का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमि जो इरोजन होता है यानी सॉइल जो इरोजन होता है उसको किस टाइप से रोका जा सकता है, आंसर है डी यानी पुनः वृक्षारोपण के द्वारा भूमि क्षरण को रोका जा सकता है। क्वेश्चन है कि फूड चेन में इंटरलॉगिंग बनाता है, आंसर है डी यानी फूड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिम्बायोसिस प्रदर्शित होती है किसके द्वारा, आंसर है सी यानी लाइकेंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, आंसर है ए यानी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम जीवाणु की खोज किसने की थी, आंसर है सी यानी ल्यूवेन हॉक ने सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया में राइबोसोम पाए जाते हैं। आंसर है सी, यानी साइटोप्लाज्म में बैक्टीरिया में राइबोसोम पाए जाते हैं, यानी बैक्टीरिया में जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो उसके साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से मनुष्य का वायरल रोग है। आंसर है डी, यानी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सल्फर बैक्टीरिया है। आंसर है डी, बैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लाज्मिड एक प्रकार का है। आंसर है ए, यानी एपिसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायरस में जो रेप्लिकेशन होता है वो किस पर होता है, अगार जेल, कल्चर मीडियम, मृत ऊतक या जीवित ऊतक पर। तो आंसर है डी, यानी जीवित ऊतक पर होता है, यानी लिविंग टिश्यू पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मम्स जो रोग होता है वो किसके द्वारा होता है, यानी कि कौन सी डिसीज़ होती है, वो फंगल डिसीज़ होती है, प्रोटोजोआ होती है, बैक्टीरियल होती है या वायरल होती है। तो आंसर है डी, यानी ये वायरल डिसीज़ होती है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।